नमस्ते फ्रेंड्स, ये कहाँ पे स्पीकर मोटर है, इसका आरपीएम कम हो चुका है और कॉयल शॉर्ट हो चुका है, तो इसके रिवाइंडिंग करने में हमें कितना पैसा खर्च होता है और हम लोग कितना पैसा लेते हैं, इसका फुल डेटा आप लोग साथ शेयर करेंगे। आप लोग देख सकते हो कि ये वाला कॉइल शॉर्ट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, हमारा रनिंग कॉइल का एक सेट कंप्लीट हो गया। इस तरह से हम दूसरा सेट भी कंप्लीट कर लेंगे। हमारा स्टार्टिंग कॉइल के एक सेट के अंदर दो कॉइल है, हम दो सेट ही कंप्लीट कर लिया है। अब इसको मोटर के अंदर बिठाएंगे। तो रनिंग कॉइल में मैंने 26 नंबर का कॉपर वायर यूज़ किया और हर कॉइल पे 90 टर्न करके दिया और दोनों कॉइल मिला के 300 ग्राम वेट है। तो रनिंग कॉइल मैंने बैठा लिया, अब स्टार्टिंग कॉइल इसके अंदर सेट करेंगे। तो इसका टर्न नंबर है 29, इसका वेट है 160 ग्राम और इसका टर्न है 150। तो फ्रेंड, रनिंग कॉइल का जो पहले वाला तार है वो हम बाहर निकाल लेंगे और आखिरी वाला तार को हम जोड़ लेंगे और मिडिल पे जो है स्टार्टिंग कॉइल का तार वो भी हम सेम तरह से कर लेंगे। तो हमारा मोटर का काम पूरा हो गया। अब बर्निश सुखाने के 2 घंटा बाद इसको फिट करेंगे।
तो फ्रेंड्स हमारा मोटर रिवाइंडिंग करने में 300 रुपया खर्च हुआ और हमारा मजूरी है 500 रुपया, हम टोटल 800 रुपया चार्ज करेंगे। तो हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे।